गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आलोक कुमार शर्मा आपका संस्कृत टीचर। आज कक्षा 9th की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था कल्पतरु, उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले जो हमारे अभ्यास प्रश्न हैं उस अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला में नंबर एक, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात आपको निम्नलिखित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको एक पद में देने हैं, यानी कि सिर्फ आपको जो करेक्ट आंसर है उस आंसर को आपको देना है। तो देखते हैं इस श्रृंखला में सबसे पहले प्रश्न नंबर क्या। सबसे पहले बेटा मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक एक शब्द का हिंदी अर्थ करूँगा और उसके बाद में मैं पूरा जो वाक्य होगा, पूरा जो प्रश्न होगा, उसका एक साथ हिंदी अर्थ करूँगा। आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न क्या। जिमुत वाहने कस्य पुत्र अस्ति। जिमुतवाहन अर्थात जिमुतवाहन नाम है, कस्य अर्थात किसका, पुत्र है अर्थात पुत्र, अस्ति अर्थात है। जिमुतवाहन किसका पुत्र है? तो देखिए, आपने इस चैप्टर को कल्पवृक्ष जो कल्पतरु जो चैप्टर था इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको याद होगा जिमुतवाहन जो है वह राजा जिमुत केतु का पुत्र था। तो इसका जो सही जवाब, सही आंसर जो होगा वह होगा जिमुत केतु। अब यहाँ जिमुत केतु क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ कस्य के अंतर्गत षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ जिमुत केतु के अंतर्गत भी षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग किया गया है। ध्यान दीजिए, जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं या लिखते हैं तो वहाँ पर जिस प्रश्नवाचक शब्द में जिस विभक्ति का प्रयोग किया गया है उत्तर के अंतर्गत भी हम उसी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो कस्य में षष्ठी है, इसीलिए जो जिमुतवाहन का पुत्र जो जिमुत केतु जो उसके पिता हैं उसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो सही जो जवाब मैंने सामने लिखा हुआ है वह होगा जिमुत केतु। और आपको एक पद में ही उत्तर देना है, इसलिए सिर्फ आपको उत्तर लिखना है जिमुत केतु। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संसारे अस्मिन के अनश्वर है भावति। संसारे अर्थात संसार में, अस्मिन अर्थात इस, के अर्थात कौन या क्या। वैसे क्या जो होता है वो किम का होता है, कह से तात्पर्य कौन से होता है। अनश्वर है जो नश्वर नहीं है, जो नष्ट नहीं होता है। भवति होता है या है, यानी कि इस संसार में कौन अनश्वर है। तो आपने पढ़ा था इस संसार में केवल और केवल सिर्फ एक परोपकार ही एक ऐसी परोपकार जो है, यही एक ऐसी विधा है, यही एक ऐसा शब्द है, यही एक ऐसा कार्य या कर्म है जो कभी नष्ट नहीं होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता है। तो इसका जो सही उत्तर जो होगा वह है परोपकार है, जिसको मैंने इस प्रश्न के सामने लिखा हुआ है। तो इस संसार में कौन अनश्वर होता है? तो केवल परोपकार। तो आपको जवाब देना है वह है परोपकार है। तो इसमें जो नष्ट नहीं होता है वह क्या है? सिर्फ और सिर्फ वह कर्म परोपकार है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
कि नेक्स्ट प्रश्न में क्या बताया गया है। प्रश्न ग, जिमूतवाहने परोपकारिक फल सिद्धि कम आराध्यति। जिमूतवाहन परोपकार की फल सिद्धि के लिए किसकी आराधना करता है या किसकी पूजा अर्चना करता है, अर्थात जिमूतवाहन परोपकार रूपी फल सिद्धि के लिए, फल की प्राप्ति के लिए किसकी आराधना करता है। तो सही जवाब होगा, जिमूतवाहन ने किसकी आराधना की थी कि वह परोपकार रूपी फल को देवे, तो उसने कल्प वृक्ष की आराधना की थी। तो यहाँ सही जवाब जो होगा वह होगा कल्प पादपम। तो सही जवाब क्या होगा, कल्प पादपम। क्लियर। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जिमूतवाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रथितम्। जिमूतवाहनस्य, जिमूतवाहन का सर्वभूतानुकंपया सभी लोगों पर कृपा करने से सर्वत्र अर्थात सभी जगह, किम अर्थात क्या, प्रथितम मतलब फैल गई या फैल गया। तो जिमूतवाहन की सभी लोगों पर कृपा करने से सभी जगह या चारों ओर क्या फैल गई, तो उसके मैंने प्रश्न के सामने लिखा है यसे, अर्थात उसकी कीर्ति या उसकी प्रसिद्धि या उसकी प्रशस्ति जो है वह सभी जगह फैल गई। क्लियर बेटा। और इसका अंतिम प्रश्न है, कल्पतरु भूवि कानि अवर्षत। अर्थात कल्पतरु, कल्प वृक्ष ने भूवि अर्थात पृथ्वी या भूमि पर कानि अर्थात किसकी अवर्षत अर्थात वर्षा की। दोबारा से पूरी लाइन का हिंदी अर्थ बता रहा हूँ। कल्प वृक्ष ने भूमि पर किसकी वर्षा की, सही जो जवाब आपका होगा वह होगा वसुनी। किसकी, अतुलित धन धान्य की उसने क्या की थी, वर्षा की थी, बहुत अधिक संपत्ति की या पैसे की उसने क्या की थी, बारिश की थी। क्लियर बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा जो अंतिम प्रश्न था वह क्या था, वह यह था कि कल्पतरु ने, कल्प वृक्ष ने पृथ्वी पर किसकी वर्षा की, तो धन की वर्षा की थी, और धन की वर्षा को संस्कृत में कहते हैं वसुनी, वसुनी कहते हैं। क्लियर। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर टू की ओर, क्वेश्चन नंबर टू की ओर हम चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके निर्देश को, क्या निर्देशित किया गया है, क्या बात बताई गई है, उसे हम देखते हैं। सबसे पहले अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। बेटा एक यहाँ चीज़ समझ में ये आती है कि यहाँ पर देखिए, ना तो ये दिया गया है कि एक पद में उत्तर देना है या पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, लेकिन यहाँ पर हमें समझना है कि जब पहले वाला प्रश्न आया था उसमें लिखा हुआ था एक पदेन उत्तरम लिखत, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर ये दूसरा प्रश्न है
इसके प्रश्न के उत्तर जो आपको देने हैं वो पूर्ण वाक्य में देने हैं। तो चलते हैं हम इसके के प्रश्न की ओर। कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म, अर्थात कंचनपुर नाम का नगर, कंचनपुर नाम का नगर कहाँ सुशोभित था। देखिए कंचनपुरम जगह का नाम है, किसी नगर का नाम है, तो कंचनपुर नाम नाम, नगरम नगर, कुत्र कहाँ, विभाति अर्थात सुशोभित या स्थित, और इसमें अर्थात था, यानी कि कंचनपुर नाम का नगर कहाँ सुशोभित था। क्लियर। तो अब हम इसका उत्तर किस प्रकार से देंगे। देखिए जो उत्तर है, जो इसका मुख्य उत्तर है वह मैंने इसके सामने लिखा हुआ है, और वह उत्तर है हिमवतः शिखरे, यानी कि कहाँ पर स्थित था, हिमालय पर्वत के शिखर पर, हिमालय पर्वत की चोटी पर या शिखर पर। तो आपको लेकिन इसका उत्तर जो देना है वह इस प्रकार से देना है, कंचनपुरम नाम नगरम हिमवतः शिखरे विभाति। कैसे देंगे, प्रश्न में से लाइन को लेंगे, कंचनपुरम नाम नगरम हिमवतः शिखरे विभाति। आपको यहाँ कंचनपुरम नाम नगरम यहाँ तक ऐसे लिखना है प्रश्न में से, उसके बाद कुत्र के स्थान पर आपको लिखना है हिमवतः शिखरे, और उसके पश्चात विभाति, और उस तत्पश्चात पूर्ण विराम। कंचनपुरम नाम नगरम हिमवतः शिखरे विभाति। क्लियर। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो क्या कहता है, जिमूतवाहन की दृश्य है आसीत। जिमूतवाहन नाम है, की दृश्य है अर्थात कैसा, आसीत अर्थात था, जिमूतवाहन कैसा था, यानी कि उसने पूछा है कि जिमूतवाहन की प्रवृत्ति कैसी थी या जिमूतवाहन कैसा था, उसका आचार व्यवहार, उसके आधार पर आपको बताना है कि जिमूतवाहन किस प्रकार का व्यक्ति था। तो देखिए आपको उत्तर जो मैन है, मैन जो इसका उत्तर है वह है महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च, अर्थात जो जिमूतवाहन था वह महान दानवीर और सर्वभूतानुकंपी अर्थात सभी प्राणियों पर कृपा करने वाला, सर्वभूत अर्थात सभी लोगों पर, अनुकंपी अर्थात कृपा करने वाला, यानी कि जिमूतवाहन कैसा था, महान दानवीर और सभी लोगों पर कृपा करने वाला था। लेकिन आपको जो उत्तर लिखना है वो पूर्ण वाक्य में कैसे देना है वह आप देखिएगा। जिमूतवाहन है प्रश्न में से ही लीजिएगा पहले, जिमूतवाहन है, उसके बाद आपको दिया हुआ है कीदृश है, तो कीदृश को हटा दीजिए यहाँ से, उत्तर आपका होगा जिमूतवाहन है महान दानवीर है सर्वभूतानुकंपी च आसीत, अर्थात जिमूतवाहन महान दानवीर और सर्वभूतानुकंपी था। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं, कल्पतरो वैशिष्टम आकरण्य जिमूतवाहन किम अचिंत्यत। कल्पतरु अर्थात कल्प वृक्ष के वैशिष्ट्यम आकरण्य अर्थात उसके वैशिष्ट्य को आकरण्य अर्थात सुन करके, अर्थात कल्प वृक्ष की विशेषता को सुन करके जिमूतवाहन ने किम अर्थात क्या, अचिंत्यत अर्थात सोचा। कहने का तात्पर्य है कि कल्प वृक्ष की विशेषता को सुनकर जिमूतवाहन ने क्या सोचा। तो आपको इसका उत्तर देना है, उसने जो चीज सोची थी वही आपको उत्तर देनी है। तो मैंने यहाँ पर पूर्ण उत्तर को ही लिखा हुआ है,
उसमें सोचा अहम ईदृशात अमर पादपात अभिष्टम मनोरथम साधयामी इति। अहम अर्थात मैं, ईदृशात अर्थात इस प्रकार के, अमर पादपात अर्थात अमर वृक्ष से, अभिष्टम अर्थात अभिष्ट या विशिष्ट, मनोरथम अर्थात मनोरथ को, साधयामि इति सफल करूँगा, यानी कि मैं इस प्रकार के अमर वृक्ष से अपनी अभिष्ट मनोरथ जो है उसको सफल करूँगा। मेरे जो एक विशेष मेरी जो कामना है, मेरा जो विशेष मनोरथ है, मेरी मन की जो इच्छा है, उसको मैं क्या करूँगा, सिद्ध करूँगा या साधूँगा या सफल करूँगा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अहम ईदृशात अमर पादपात अभिष्टम मनोरथम साधयामि इति। क्लियर? आपका प्रश्न था कल्पतरो वासिष्ठमाकर्ण्य जिमुत्वाहने किम अचिंत्यत्। कल्प वृक्ष के विशेषता को सुनकर या वैशिष्ट्य को सुनकर के जिमुत्वाहन ने क्या सोचा या विचार किया? तो आपका उत्तर होगा अहम ईदृशात अमर पादपात अभिष्टम मनोरथम साधयामि इति। अर्थात मैं इस अमर वृक्ष से अपनी अभिष्ट मनोरथ को सफल करूँगा। मेरी जो विशेष मनोकामना है, मेरा जो विशेष जो मेरी इच्छा है, उसको सफल करूँगा। क्लियर बेटा? चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हितेश ने मंत्री ने जिमुत्वाहनम किम उक्तवंत है। हितेश ने मंत्री ने जिमुत्वाहनम किम उक्तवंत है, यानी कि हितेश ने हितकारी, मंत्री ने मंत्रियों ने जिमुत्वाहनम जिमुत्वाहन से किम क्या उक्तवंत कहा। तो क्या हुआ इसके अंदर? हितकारी मंत्रियों ने जिमुत्वाहन से क्या कहा। इस चैप्टर के अंतर्गत जब जिमुत्वाहन युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया गया था, जब उसे युवराज बना दिया गया था, तो मंत्रियों ने कुछ बात कही थी, कुछ वार्ता कही थी, तो वह क्या कही थी? तो हितेश ने मंत्री ने जिमुत्वाहन किम उक्तवंत है, हितकारी मंत्रियों ने जिमुत्वाहन से क्या कहा। तो क्या बात कही गई थी वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो देखिए आपको ये उत्तर किस प्रकार से करना है ये आपको देखना है। देखिए बेटा, आपको इस प्रश्न का जो जवाब जो देना है वह इस प्रकार से देना है। सबसे पहले आप प्रारंभ करेंगे जिमुत्वाहने कल्प, जो प्रश्न है जिमुत्वाहने कल्पतरुम उपगम्य किम वाच, ये प्रश्न है। और इससे पहले वाला प्रश्न है कि हितेश ने मंत्री ने जिमुत्वाहनम किम उक्तवंत है, यानी हितेशी मंत्रियों ने जिमुत्वाहन से क्या कहा था। तो हितेशी मंत्रियों ने, तो आपको उत्तर की शुरुआत करनी है हितेश ने मंत्री ने जिमुत्वाहनम उक्तवंत है। क्या करना है आपको? लिखना है हितेश ने मंत्री ने जिमुत, जो प्रश्न में दिया गया है वही लिखना है। हितेश ने मंत्री ने जिमुत्वाहनम उक्तवंत है, हितेशी मंत्रियों ने जिमुत्वाहन से कहा। फिर करें आप यत की, क्या कहा? युवराज यो अयम सर्वकामदेह
कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रो अपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको करना क्या है इस प्रश्न को। प्रश्न को सुनिएगा वापस से। प्रश्न है, हितेश ने मंत्री ने जिमुत्वाहनम किम उक्तवंत है। हितेशी मंत्रियों ने जिमुत्वाहन से क्या कहा। तो आपको उत्तर की शुरुआत करनी है इस तरीके से, प्रश्न में से लेते हुए ही, हितेश ने मंत्री ने जिमुत्वाहनम उक्तवंत है यत, ये आपको प्रश्न में मिलेगा। फिर आपको आगे इसमें लिखना है जो मैंने रेखांकित किया हुआ है, युवराज यो अयम सर्वकामदय कल्पतरु तवोध्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रो अपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। फिर से देखिएगा, मैं इसको आपको इस तरीके से दिखाता हूँ। युवराज यो अयम सर्वकामदय कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रो अपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। यहाँ तक आपको इस उत्तर को लिखना है। अब हम समझते हैं कि इस उत्तर का जो हिंदी अर्थ है वह क्या होगा। क्लियर बेटा? देखिए इसका हिंदी अर्थ होगा, हितेश ने, देखिए पहले मैं एक बार संस्कृत बोलता जा रहा हूँ साथ ही साथ हिंदी भी कर रहा हूँ। हितेश ने मंत्री ने, हितेशी मंत्रियों ने जिमुत्वाहनम उक्तवन्तः यत, जिमुत्वान से कहा कि युवराज यो अयम सर्वकामदय कल्पतरु तव उद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य। युवराज जो ये सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे उद्यान में या बगीचे में स्थित है, अस्मिन अनुकूले उसकी तुम्हें सदा पूजा करनी चाहिए। स तव सदा पूज्य अस्मिन अनुकूले स्थिति सती शक्रो अपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात्। इसके अनुकूल होने पर इंद्र भी हमें हानि नहीं पहुंचा सकता है। अर्थात मैं एक साथ एक बार इसकी हिंदी बोल रहा हूँ। हितकारी मंत्रियों ने जिमुत्वाहन से कहा कि युवराज जो ये सभी कामनाओं को पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे बगीचे में या बाग में स्थित है, उसकी तुम्हें सदा पूजा करनी चाहिए। इसके अनुकूल होने पर इंद्र भी हमें हानि नहीं पहुंचा सकता है। क्लियर बेटा? अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न क्या है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वह है, जिमुत्वाहने कल्पतरुम उपगम्य किम उवाच। अर्थात जिमुत्वाहन ने कल्पवृक्ष के पास जाकर क्या कहा। जिमुत्वाहन नाम है, कल्पतरुम अर्थात कल्पवृक्ष, उपगम्य अर्थात पास जाकर, किम अर्थात क्या, वाच अर्थात कहा। जिमुत्वाहन ने कल्पवृक्ष के समीप जाकर क्या कहा। तो देखिए बेटा इसका उत्तर जो होगा वह होगा, ये जो आपको रेखांकित
जो अंडरलाइन जो आपको लाइनें दिख रही हैं, यह इस प्रश्न का उत्तर है। आपको उत्तर किस प्रकार से लिखना है, प्रश्न से लेकर के ही आपको शुरुआत करनी है, वह मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। जिमूतवाहने कल्पतरुम उपगम्य उवाच यत, ये आपको प्रश्न में मिलेगा। उवाच तक किम को हटा देना है। जिमूतवाहने कल्पतरुम उपगम्य उवाच यत, जिमूतवाहन ने कल्प वृक्ष के समीप जाकर कहा कि, क्या कहा, वह यहाँ पर दे रखा है। देखिए जिमूतवाहने कल्पतरुम उपगम्य उवाच, क्या कहा जिमूतवाहन ने कल्पतरु के पास जाकर, क्या कहा, देव तव्या अस्मत् पूर्वेषाम् अभिष्टा कामा पूरिता तन मम एकम कामम पूरी। जिमूतवाहन ने कल्प वृक्ष के पास जाकर कहा कि हे देव, आपने, तुमने हमारे पूर्वजों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण किया है, इसलिए मेरी भी एक कामना है या इच्छा है, उसको पूरा कीजिए। यथा पृथ्वीम ए दरिद्राम पश्यामि तथा करो तू देव इति, क्या कहा कि मैं जिस प्रकार से पृथ्वी की दरिद्रता से रहित हूँ अर्थात संपन्न हूँ, वैसा ही मैं इस पृथ्वी को देखना चाहता हूँ। क्या कहा उसने कि जिमूतवाहने, शुरू से देखिए, जिमूतवाहने कल्पतरुम उपगम्य उवाच, जिमूतवाहन नाम है, कल्पतरुम कल्प वृक्ष, उपगम्य समीप जाकर उवाच कहा, देव हे देव तव्या तुमने अस्मत मेरे हमारे पूर्वेशाम अर्थात पूर्वजों की अभिष्टा अर्थात सभी कामनाएं या सभी मनोकामनाओं को पूरिता पूरा किया है। तन मम एकम तो मेरा भी एक, कामम पूरी है, काम को पूरा करो, यथा कि पृथ्वीम पृथ्वी ए दरिद्राम दरिद्रता से रहित पश्यामि देखना चाहता हूँ, तथा ऐसा करो तू करो देव हे देव इति ऐसा, अर्थात जिमूतवाहने कल्पतरुम उपगम्य उवाच, हे देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभिष्टा कामा पूरिता तन मम एकम कामम पूरीय यथा पृथ्वीम ए दरिद्राम पश्यामि तथा करो तू देव इति। जिमूतवाहन ने कल्प वृक्ष के पास जाकर कहा, हे देव तुमने हमारे पूर्वजों की बहुत अभिष्ट कामनाएं पूरी की हैं, बहुत उनकी मनोकामनाएं पूर्ण की हैं, तो मेरी भी एक कामनाओं को पूरा कीजिए। यथा कि पृथ्वीम दरिद्राम पश्यामि, इस पृथ्वी को अदरिद्रता से देखना चाहता हूँ, दरिद्रता से रहित देखना चाहता हूँ, गरीबी से दूर देखना चाहता हूँ, तथा करो तु देविति, ऐसा ही ये देव आप करो इति ऐसा, ऐसा उन्होंने याचना की। तो इसका उत्तर जिमूतवाहन से लेकर के इति तक इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो बेटा ये थी हमारी अभ्यास प्रश्नों को लेकर प्रश्न नंबर 1 के एक पद वाले और पूर्ण वाक्य वाले आपके प्रश्न उत्तर, इनको आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो बेटा आज का आपका होमवर्क है, जो मैंने आपको ये क्वेश्चंस जो सॉल्व करवाए हैं इनको अपनी नोटबुक के अंदर करना, इनको आपको रिटर्न करना है और साथ ही साथ लर्न भी करता है, आशा करता हूँ और आपसे ऐसी उम्मीद की कामना भी करता हूँ कि आप अपना कार्य को समय पर प्रतिदिन कर रहे होंगे। जिस प्रकार से जिस जिस सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है उसी प्रकार से मेरी भी आपके एक सप्ताह में दो बार क्लासें आ रही हैं, तो आप इस कार्य को
समय पर प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन करते रहें, यही मैं आपसे आशा करता हूँ। तो बेटा इस वीडियो को आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार भी आप देखें, इसको देखें, समझें। किसी को एक बार में भी समझ में आएगा देखने से, किसी को दो बार देखने से समझ आएगा, तीसरी बार कोई भी बच्चा इसको देखेगा तो उसे 101% ये समझ में आएगा। थोड़ा सा बस अपना माइंड का प्रयोग इसके अंदर करना है। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और अपने इस प्रश्नों का जवाब भी आपको साथ ही साथ मिलेगा। आज आपका जो होमवर्क है, जो मैंने प्रश्न आज सॉल्व कराए हैं, उनको अपनी नोटबुक के अंदर आपको रिटर्न करना है, साथ ही साथ आपको लर्न भी करना है। बेटा ये तो पर डे की बात है कि जो चीज़ आपको रिटर्न करनी है वही लर्न करनी है, यह अपने मस्तिष्क में बिठा लें। इसी आशा के साथ में मैं अपनी इस क्लास को यहीं विराम देता हूँ। नेक्स्ट जो प्रश्न आपके और बच रहे हैं वो हमारी अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।